नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। काफी समय से इजराइल को लेकर असमंजस बनी हुई थी, पर लगता यूं है कि अब वे बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यास लगाए जा रहे थे कि अगर भारत और चीन भिड़े तो इजराइल का रुख क्या होगा। हालांकि यह निश्चित था कि वह किसी भी हालत में चीन के पाले में नहीं जाएगा, पर कहीं इजराइल तटस्थ की भूमिका में न आ जाए इसको लेकर भी वापो की स्थिति थी, क्योंकि इजराइल के चीन और भारत से दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। उसके दोनों ही देशों से व्यापार और कूटनीतिक संबंध शानदार बने रहे। यही वजह रही कि इजराइल खुलकर कहने से बचता दिखाई दिया, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे समृद्ध देश खुलकर भारत के पक्ष में आ खड़े हुए। चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारत ने सिर्फ तीनों सेनाओं को साजो सामानों से लैस ही नहीं किया, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी जबरदस्त अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत देशों को टटोला जा रहा है कि अगर जंग के हालात बने तो कौन किसके साथ या किसके विरोध में जा सकता है। पाकिस्तान और नेपाल के बारे में साफ हो चुका है कि ये एक ही चीनी धोती के तैमंद और टोपी सिलवाए हुए हैं। इसकी वजह वहां पर चीन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट तो है ही, साथ ही भारत से सामरिक और वैचारिक मतभेद भी हैं। कोरोना के कारण बनना हुआ अमेरिका और कई सारे विकसित देश फिलहाल भारत के खेमे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बड़े देशों का भारत को साथ मिलने का असर यह है कि इससे चीन पर ज्यादा दबाव बढ़ेगा, इससे संघर्ष भी टलने की उम्मीद बढ़ सकती है। भारत ने तमाम हालातों को देखते हुए देशों से हथियारों की खरीद भी शुरू की है। इसके लिए अमेरिका की एक कंपनी को 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया गया। रूस से भी डिफेंस डील हुई है। कुल मिलाकर बहुत से देशों की स्थिति साफ हो गई है, लेकिन इजराइल को लेकर असमंजस के हालात बने रहे। इजराइल ने अभी तक हर जंग में भारत का साथ दिया है। 1962 में भी इजराइल ने भारत को पिछले दरवाजे से मदद की थी, तब इजराइल और चीन में इतनी नजदीकियां नहीं बढ़ी थी। पाकिस्तान से कारगिल युद्ध में भी भारत को इस देश से अत्याधुनिक हथियार मिले थे। जब भारत ने इंटेलिजेंस की नींव डाली तब भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मदद की थी। बाद में संबंध और ज्यादा गाढ़े होते चले गए। 90 के दशक के बाद से दोनों देश एक दूसरे को सहयोगी राष्ट्र कहने लगे। इजराइल और भारत ने रक्षा सौदों के लिए डील की हुई है, जिसके तहत ये देश भारत में अत्याधुनिक हथियार बनाने की ट्रेनिंग और मदद दे रहा है। इजराइल की सारी कंपनियां भारत के साथ पार्टनर है। अब अगर चीन से इजराइल के संबंधों की बात करें तो दोनों के बीच ठीक ठाक रिश्ते रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन से संबंधों में लगातार गर्माहट आने के कारण अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी तक दी थी। इजराइल की दृष्टि में भारत और चीन अहम देश है। इजराइल दोनों ही देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहता है। वर्तमान में जिस तरह तनाव बढ़ा है वो पक्का यरूशलम को भी दुविधा में डाल रहा है। वैसे भी भारत इजराइल के रिश्ते व्यापार और कूटनीति से ज्यादा है। इसकी वजह भारत का साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों से अच्छा संबंध है। चूंकि ये सारे देश इजराइल के साथ ही है, इसलिए भी भारत और इजराइल के संबंध बेहतर हालात में है। बीते कुछ सालों में चीन ने चतुराई भरा दांव चला है। उसने एक रणनीति के तहत उन सारे देशों को जोड़ना शुरू किया जो अमेरिका के करीबी रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे फिलहाल अमेरिका भारत के साथ कर रहा है। अब चूंकि इजराइल को अमेरिका लंबे समय से सपोर्ट कर रहा है, ऐसे में चीन और इजराइल के बीच बढ़ती मैत्री अमेरिका को खल रही है। खास बात यह है कि चीनी कंपनियां इस देश में $20 बिलियन की डील पर काम कर रही है। चीन का यह निवेश अमेरिका को सबसे बड़ा बाजार बनने से रोक सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इजराइल पर जोर डाल रहा है कि वो चीन से ना जुड़े। साथ ही कोरोना के लिए चीन को जिम्मेवार मानते हुए अमेरिका चाहता है कि इजराइल उसे अपने यहां से रोके। पर सवाल अब भी वही है कि क्या इजराइल भारत और अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को तवज्जो देता है, या फिर बीजिंग के इन्वेस्टमेंट के कारण उससे रिश्ते को बनाए रखेगा। इजराइल के सामने दुविधा यह थी कि वह भारत या चीन में से किस पक्ष का चुनाव करे। लेकिन कल जो उड़ती खबर आई है उससे देश की बात से खिलना तय है। बताया जा रहा है कि इजराइल एक बार फिर भारत को गोला बारूद की आपूर्ति करने जा रहा है। यह गोला बारूद अगले हफ्ते तक भारत में पहुंच जाएगा। इसके अलावा इजराइल ने कई खुफिया सूचनाएं भी भारत को मुहैया कराई है। इजराइल ने स्पाइस बम के एडवांस वर्जन को बहुत ही जल्द देने का भारत को भरोसा दिलाया है। जरूर कह रहे हैं कि इजराइल पर लगातार अमेरिका का दबाव पड़ रहा था कि वह भारत चीन के मामले में अपना नजरिया स्पष्ट करे।
हालांकि इजराइल खुलकर अभी कुछ भी नहीं कह रहा है, पर अगर उसने भारत को मदद भेजने का निर्णय ले लिया है तो अब उसे तटस्थ भी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि चीन इस तमाम घटनाक्रम से लापरवाह था, वे भी अपनी कूटनीतिक माध्यमों से इजराइल पर दबाव बना रहा था। चीन चाहता था कि इजराइल दोनों देशों में से किसी के भी पक्ष में खड़ा ना हो, वह एक तरह से तटस्थ की भूमिका निभाता रहे ताकि दोनों ही देशों से उसके अच्छे संबंध बने रहे। चीन ने इजराइल पर अपने निवेश को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश भी की थी, मगर इजराइल इस बात से भी वाकिफ है कि चीन भरोसे करने वाला मुल्क नहीं है। भारत और इजराइल दोनों साथ साथ आजाद हुए थे, शुरुआत के सालों में जरूर दोनों के रिश्ते ठंडे रहे हैं, मगर आज वे बेहद विश्वास से भरे हुए हैं। चीन से उसके संबंध कभी भी इस स्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ रिश्तों की मर्यादाओं का पूरी तरह सम्मान होता है, जबकि चीन एक साम्यवादी देश है, चालबाजी और मक्कारी से उसका इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे में इजराइल का भारत की मदद में आना उसका भारत के प्रति नजरिया साफ कर देता है। पिछले दिनों पाकिस्तान की मीडिया में एक खबर बड़े जोर शोर से चलाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि इस बार भारत को इजराइल से कोई मदद नहीं मिल पाएगी। पाकिस्तानी पत्रकार इफ्तार काजमी का कहना था कि इजराइल में चीन का भारी निवेश है, अगर इजराइल ने भारत की तरफ पांव बढ़ाए तो चीन अपना हाथ खींच लेगा। पाकिस्तानी फूल कर कुप्पा हुआ जाते थे कि जिस इजराइल पर भारत ज्यादा उछलता है, इस बार वे भारत की बजाय चीन के साथ खड़ा हो गया है। परंतु इजराइल से भारत को मिलने वाले गोला बारूद की खबर उनको भी जरूर मिल चुकी होगी, चीन तक भी संदेश चला गया होगा कि इजराइल कहां पर खड़ा है। भारत और इजराइल के रिश्ते दोस्ती से कहीं बढ़कर हैं, ये इतने कमजोर नहीं है जिन्हें इतनी आसानी से तोड़ दिया जाए। पर सवाल यही है कि जिस तरह इजराइल हर मौके पर भारत के साथ खड़ा नजर आया है, उसके मुकाबले भारत से उसे इस प्रकार का साथ नहीं मिला। कश्मीर मुद्दा हो या अन्य कोई मामला, इजराइल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ दिया है, जबकि फिलिस्तीन के मसले पर भारत आज भी भिन्न राय रखता है। इजराइल फिलिस्तीन के विवाद में भारत तटस्थ की भूमिका में नजर आया है, जबकि पिछले साल फिलिस्तीन के राजदूत पाकिस्तान में हाफिज सईद के साथ मंच साझा करके भारत को नस्तर चुभा गए थे। हालांकि फिलिस्तीन सरकार ने उसे तुरंत वापस बुला लिया था, मगर यह भी स्पष्ट हो गया था कि टोपी में छेद बराबर की गिनती के ही होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन की गिनती नाम मात्र को होती है, मगर भारत ने सदैव फिलिस्तीन को तवज्जो दी है। हैरानी की बात यह है कि जब पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे और फिलिस्तीन को एक तरह का मुद्दा बताता है, तब भी भारत कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा होता है, पर बावजूद इसके यह इजराइल का बड़ा दिल ही कहा जाएगा, जो हर संकट में भारत के साथ आकर खड़ा हो जाता है। आज चीन से भारत का तनाव चरम पर पहुंच गया है, चीन पर दबाव बनाने के लिए भारत को हर छोटे बड़े देश के साथ की जरूरत है, पर फिलिस्तीन ने ना आज कुछ कहा और ना कारगिल के दौरान भारत को पैगाम भेजा था, जबकि इजराइल की मदद भारत के बच्चे बच्चे को स्मरण है। कहने वाले जरूर फिलिस्तीन के मसलों को खाड़ी देशों को खुशी से जोड़कर देख सकते हैं, मगर इजराइल दोस्ती का मतलब बेहतर समझता है। वैसे भी ये इजराइल की खासियत है कि वह जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करता है, पर जिससे करता है उससे निभाना उसे बखूबी आता है। चीन की बात नहीं मानने के पीछे इजराइल की यही वजह है कि वह इजराइल में निवेशक तो है, पर चीन को दोस्त नहीं उसने माना है, और भारत को आशय पर करने की सूरत में इजराइल उसकी दोस्ती को स्वीकार भी नहीं करता है। यही वजह है कि तमाम अंतर विरोधों के बावजूद इजराइल आज फिर से भारत के साथ खड़ा है, वह दोस्त होने का फर्ज निभा रहा है और कहीं ना कहीं भारत को उसके मायने भी समझा रहा है। अब यह भारत के ऊपर है कि वह इन मायनों को किस नजरिए से देखता है। वैसे भी अच्छे दोस्त की पहचान बुरे वक्त में ही होती है, और यह इजराइल ने साबित भी किया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।